नमस्कार, नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी, आपका अपना क्राइम शो 100 नंबर लेकर। 100 नंबर लोगों का भरोसा है, जहां हर वारदात की दस्तक, हर अपराध के पहलू और हर खौफनाक तस्वीर का लेखा जोखा होता है, और उसी भरोसे को कायम रखते हैं हम। 100 नंबर पर करते हैं हर वारदात के पीछे छुपे गुनहगारों को बेनकाब, न केवल बेनकाब बल्कि अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुँचाने की भी होती है कोशिश। आज 100 नंबर में उठाएंगे पर्दा उस गुनाह से जिसके पीछे छिपे हैं अपनों के चेहरे। तो कुछ है समाज के गुनहगार, आपको करेंगे आगाह हर वारदात से। आप देखते रहिए 100 नंबर। पूरे प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का दावा करने वाली यूपी पुलिस प्रदेश की राजधानी को भी सुरक्षित रख पाने में नाकाम है। राजधानी के सबसे वीवीआईपी इलाके में बंदूकधारी एक बदमाश पैदल आता है और कैश वैन को दिन दहाड़े लूटकर फरार हो जाता है। हैरानी इस बात की कि चप्पे चप्पे पर मौजूद पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती। राजधानी में दिन दहाड़े कैश वैन लूटी, पैदल आए बदमाशों ने लूट ली कैश वैन, सुरक्षा गार्ड की हत्या कर लूटी वैन, हाई सिक्योरिटी एरिया में हुई लूट। जहां प्रदेश के बड़े बड़े पुलिस अधिकारी रहते हैं, जहां खुद यूपी पुलिस के मुखिया का घर है और प्रदेश के सीएम का आवास चंद कदमों की दूरी पर मौजूद है, खुद अंदाजा लगा लीजिए कि उस इलाके में सिक्योरिटी का क्या बंदोबस्त होगा। लेकिन इस ऑटो रिक्शा में खून से लथपथ शख्स को उसी इलाके में सरेआम गोली मारी गई। जी हाँ, राजधानी लखनऊ के हाई सिक्योरिटी जोन में यानी राजभवन के सामने दोपहर के वक्त कैश वैन के दो सिक्योरिटी गार्ड्स को दिन दहाड़े गोली मारने के बाद बदमाशों ने कैश वैन लूट ली और मौके से फरार हो गए। वारदात के वक्त वहां पर मौजूद एक शख्स ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन आरोपी बदमाश ने उस पर पिस्टल तान दी, जिसके बाद आरोपी बाइक से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी बदमाश अकेला ही वारदात को अंजाम देकर फरार होने में कामयाब रहा। मैंने देखा एक व्यक्ति को गोली लगी हुई है, ये देखते हुए मैंने अपनी गाड़ी साइड करवाई, उतर के उस व्यक्ति की तरफ दौड़ा जो गोली चला रहा था। वो मुझे देखते ही पीछे हटा, बाद में धीरे आराम से जब उसके पास पहुंच गया तो मैं उसको बोला मैं उधर जा रहा हूं, और धीरे से पीछे से जाके ट्यूनी से उसकी मैंने पिस्टल गिरवा दी नीचे। जैसे ही उसकी पिस्टल नीचे गिरी, उसने दूसरी पिस्टल मेरे ऊपर तान दी, तो और मेरा बैग नीचे फेंकने को गया, तो मेरे बैग में ड्राइंग थी, मैंने नीचे गिरा दी, वो आराम से बाइक लेके भाग गया। एडीजी के मुताबिक बताया जा रहा है कि एक कैश वैन दोपहर के वक्त राजभवन के पास खड़ी थी। उस वक्त एक व्यक्ति पैदल चलता हुआ कैश वैन के पास पहुंचा और वहां पर मौजूद दो सुरक्षा गार्ड्स को गोली मारने के बाद कैश वैन का दरवाजा खोलकर उसमें से रुपयों से भरे बैग को लूटकर फरार हो गया। गोली चलने की आवाज़ सुनकर पास में मौजूद एडीजी अपने आवाज से मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिसकर्मियों की मदद से घायल दोनों सुरक्षा गार्ड्स को अस्पताल पहुँचाया, जहाँ एक सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी मेरे पास, चूंकि हमारा घर यही आसपास में, तुरंत जानकारी हमारे स्टाफ को हुई थी, कुछ लोग भाग के भी आए। एक व्यक्ति देखा गया है सफ़ेद रंग की छीट की कमीज पहने हुए, जो कि पैदल आया और फायर किया। वो वैन पार्क थी वहाँ पे बंदरियाबाग का, आपने देखा होगा जहाँ पे वैन पार्क थी वहाँ पे दो लोग थे, उसमें से पहले ये बात आई थी कि ड्राइवर थे, लेकिन दोनों गनमैन हैं और एक के पास एक बंदूक थी। ये व्यक्ति आके फायर करते हुए आया और गाड़ी का वो खोल करके पैसे ले गया। वारदात की जानकारी ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया। आनन फानन में मौके पर डीजीपी भी पहुंचे। पुलिस मान रही है कि ये वारदात उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। जिस जगह पर ये वारदात हुई उससे कुछ ही दूरी पर सीएम आवास, डीजीपी कार्यालय और एडीजी जोन सहित कई अन्य मंत्रियों के आवास भी हैं, लेकिन इतना हाई सिक्योरिटी जोन होने के बावजूद भी लुटेरा वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। लखनऊ से राशिद सिद्दीकी, नेशनल वॉइस।
वो दबंग उस मासूम से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन वो मासूम उसे हर बार अनदेखा कर देती थी। दबंग उसके घर के सामने रहता था, लिहाजा वो उसे फोन पर तंग करने लगा। फिर भी वो मासूम उसकी हरकतों की अनदेखी करती रही, लेकिन उसकी यही अनदेखी उसके लिए सबसे ज्यादा घातक साबित हुई। और मासूम की चुप्पी से दबंग के हौसले इतने बुलंद हुए कि उसने घर के अंदर घुसकर उसे जिंदा फूंक दिया। अस्पताल के बिस्तर पर जली हालत में लेटी इस बेटी को देखिए डीजीपी साहब, अगर देख सकते हैं तो इसकी आंखों से रिश्ते बेबसी के आंसुओं को भी देखिए, अगर समझ सकते हैं तो इसके झुलसे बदन के दर्द को समझिए, समझिए और ज़रूर समझिए, क्योंकि जब तक आपको इन बेटियों का दर्द महसूस नहीं होगा तो ये बेटियाँ इसी तरह समाज में मौजूद दरिंदों के हाथों जिंदा फूंकी जाती रहेंगी। शोहदे ने घर में घुसकर जिंदा फूंका। लड़की से फोन पर करता था छेड़खानी। विरोध करने पर अंजाम दी वारदात। अस्पताल में भर्ती नाबालिग की हालत गंभीर। समाज को डरा देने वाली ये वारदात भदोही जिले के कोतवाली इलाके की है। यहाँ के आलमपुर नई बस्ती में रहने वाली ये नाबालिग लड़की पिछले कुछ वक्त से एक शोहदे से परेशान थी। परिजनों के मुताबिक घर के सामने रहने वाला जाहिद अंसारी नाम का लड़का उनकी बेटी को अक्सर फोन करता था और उस पर दोस्ती करने का दबाव बनाता था। इस बात को लेकर कई बार पीड़ित परिवार ने आरोपी के घर वालों से शिकायत की। परिजनों के मुताबिक आरोपी के परिवार ने कुछ दिन पहले भरोसा दिलाया था कि वो पुलिस कार्रवाई न करें, उनका बेटा कुछ नहीं करेगा, लेकिन आरोप है कि जाहिद अंसारी ने दो दिन पहले रात को करीब 1 बजे फिर से लड़की को फ़ोन किया, लेकिन इत्तेफाक से फ़ोन लड़की के पिता के पास था और उन्होंने फ़ोन पर ही आरोपी युवक को जमकर फटकार लगाई। पीड़िता के पिता के मुताबिक सुबह उनकी बेटी हाथ मुंह धोकर कुरान पढ़ने के लिए बैठी थी, तभी चीखने की आवाज़ पर जब वो उस तरफ भागे तो जाहिद अंसारी उसके कमरे से भाग रहा था और उनकी बेटी जली हालत में उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। बच्चे को बार बार फोन करता था। कौन? बहुत परेशान करता, जाहिद अंसारी। उसको पिताजी से बार बार हम लोग उरहन दिए, वो बोले कि हम मारे हैं अभी, उसको डांटे, अब नहीं ऐसा होगा, अब होगा बताना। फिर आज 6:04 पर फोन उसका आया। उसके बाद मेरी बेटी नहा धोकर गई कुरान शरीफ पढ़ने लगी, पढ़ के निकली है तो जलने हुए निकली है, वो घर में से मेरे भागने लगा, वो उसको पकड़ने गई मेरी लड़की, वो भाग गया, हम लोग उसको बुताने लगे बेटी। दिन दहाड़े लड़की को जिंदा फूंकने की खबर लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ पहुंची। परिवार के लोग जली हालत में ही बेटी को लेकर थाने पहुंचे, जहां से पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसे बनारस रेफर कर दिया गया। पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वारदात के बाद से आरोपी सहित उसका पूरा परिवार फरार है। आरोपी और उसके परिवार की तलाश में पुलिस की टीम गठित कर दी गई है। लड़की के पिताजी के कथन अनुसार उन्हीं का घर के सामने एक लड़का लगभग 18 साल का व्यक्ति रहता और वो आपस में बातचीत करते हैं और परेशान करता रहता था, और लड़की को फ़ोन से बातचीत करने में ऐसा लड़की के पिताजी का कहना है। अभी इसमें विवेचना जारी है, मुकदमा लिखा गया। वो जो व्यक्ति जो परेशान कर रहा था वो अभी मौके से फरार है, टीम गठन किया गया है और जो आरोपित लड़का को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिया। इस तरह की वारदातें न केवल समाज को डराती हैं बल्कि प्रदेश में लड़कियों की बदतर हालातों का आईना भी दिखाती हैं। ये वारदात बता रही है कि प्रदेश में शोहदे किस हद तक बेखौफ हो चुके हैं, लेकिन पुलिस उन पर लगाम लगा पाने में नाकाम है। पुलिस की दहशत दबंगों और बदमाशों के दिलों से दिन पर दिन कम होती जा रही है, जिसका नतीजा ऐसी खौफनाक वारदातों की शक्ल में सबके सामने आ रहा है। भदोही से राकेश सिंह, नेशनल वॉइस। इश्क जब हद से बढ़ता है तो वह हर रिश्ते और मर्यादा की सरहदों को तोड़ देता है, लेकिन शादी के बाद जो इश्क की आड़ में रिश्ता बनाते हैं
वो समाज की नज़र में नाजायज रिश्ते से ज़्यादा कुछ और नहीं होता। यही वजह है जब भी समाज की नज़र में ऐसे रिश्ते आते हैं तो उनकी खिलाफत होती है और भी सामने आती हैं खौफनाक तस्वीरें। इश्क की आग जब संबंधों की सीमा लांघती है तो वो अवैध कहलाती है और तारीखें गवाह है कि अवैध संबंधों का अंत खौफनाक ही होता है। शाहजहांपुर के लोगों ने जब सुबह आंखें खोली तो उनके सामने भी खौफ की कुछ तस्वीरें थीं। उनके गांव के रहने वाले एक युवक की लाश पेड़ से लटकी हुई थी तो वहीं एक महिला की लाश तालाब के पानी में उतरा रही थी। धीरे धीरे ये खबर पूरे इलाके में जंगलों की आग की तरह फैल गई। मौके पर सैकड़ों लोगों की भी नाजायज रिश्ते का अंत देखने के लिए मौजूद थी। प्रेमी प्रेमिका की सरेआम हत्या। प्रेमी को मारकर पेड़ से लटकाया। प्रेमिका की गला रेतकर की हत्या। हॉरर किलिंग से दहला शाहजहांपुर। मौत के इस मंजर की ये तस्वीरें शाहजहांपुर के सदर बाजार थाना क्षेत्र की हैं। यहाँ के शहबाज नगर इलाके में सुबह का वक्त इलाके में दहशत लेकर आया। गांव के रहने वाले राजवीर की लाश तालाब के किनारे पेड़ से लटकी हुई थी तो वहीं उर्मिला नाम की महिला की लाश तालाब के पानी में उतरा रही थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे राजवीर के परिजनों ने बताया कि रात के वक्त उर्मिला का पति और उसका भाई राजवीर को काम से बुलाने के लिए आए थे। राजवीर उनके साथ गया लेकिन फिर वापस नहीं लौटा। परिजनों का आरोप है कि उर्मिला के पति ने ही दोनों की हत्या की है। गब्बर 12 बजे रात गब्बर और रामबिला लड़का आया था टेरने, कहीं किसी कहीं बाहर ले जाने के लिए टेरा था। अच्छा, रात 12 बजे और जब भाई मेरा उठ के चला गया, ये बुला के लिया, वो उठा चल दिया और उन से किया, क्या मालूम था ये बात होएगी ना, ये बात मालूम होते आते ही नहीं है। और क्या हुआ फिर? यहाँ लोगों ने मार के पानी में डुबो के मारा, मारने बाद में टांग दिया। दरअसल राजवीर का अपने पड़ोस में रहने वाली उर्मिला से प्रेम प्रसंग था। पिछले काफी वक्त से दोनों एक दूसरे से बात करते थे और जब भी वक्त मिलता था वो मुलाकात भी करते थे। धीरे धीरे इस बात की भनक पूरे गांव को होने लगी और दोनों के बीच अवैध संबंधों की बात फैलते ही उर्मिला के ससुराल वालों को भी पता चली। बताया जा रहा है कि कई बार उर्मिला के पति ने अवैध संबंधों को लेकर उर्मिला को रोका भी था और उसके साथ मारपीट भी हुई थी, लेकिन उर्मिला के सिर पर इश्क का ऐसा जुनून सवार था कि उसने किसी की ना सुनी और शादी के बाद इश्क के नाम पर अवैध संबंधों को हवा दे रही थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि देर रात उर्मिला का पति राजवीर को किसी साजिश के तहत बुलाने के लिए लेकर आया था। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के लिए FSL टीम की भी मदद ली है, लेकिन पुलिस को मौके से कोई खास सुराग नहीं मिले हैं। पुलिस के मुताबिक महिला की गर्दन पर चोट के निशान हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर और पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। सुबह सूचना मिली है कि एक व्यक्ति की लाश यहाँ पेड़ पर लटकी हुई मिली है और एक औरत की लाश पास में पड़े तालाब में मिली है। दोनों के सबको उतार लिया गया है। अभी प्रथम दृष्टि औरत के गर्दन पर एक चोट का निशान है और बाकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। तहरीर लेके आगे जो विधिक कार्रवाई हो की जाएगी। इलाके में दो लाशें मिलने की जानकारी के बाद मौके पर राजवीर के परिजन तो पहुंचे, लेकिन काफी वक्त तक जब उर्मिला के ससुराल वाले और परिजन कोई नहीं पहुंचा तो पुलिस उनके घर पहुंच गई जहां से सभी गायब मिले। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि उर्मिला के घर वालों ने ही इज्जत की खातिर दोनों की हत्या कर लाशों को ठिकाने लगाया है। फिलहाल वारदात की हकीकत पुलिस की जांच में जल्द ही सामने आ जाएगी। शाहजहांपुर से नेशनल वॉइस के लिए अभिषेक की रिपोर्ट। सरकार देश को आधुनिकता की दौड़ में सबसे आगे ले जाना चाहती है,
देश को आधुनिक बनाने के लिए हर वो तकनीक इस्तेमाल की जा रही है जिससे हम चीज़ों को तेजी से कर सकें और उन्हें आसानी से हासिल भी कर सकें। मेडिकल के क्षेत्र में भी देश उसी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक से बीमारी ठीक करने जैसे दावों वाली खबरें सामने आती हैं तो सोचना पड़ता है कि आज भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी ये महिला अपने इस ढके हुए चेहरे के पीछे अपनी नासमझी और अपने दर्द को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही है। इस महिला की नासमझी ही कहें कि वो अपनी बीमारी का इलाज डॉक्टर से करा रही थी, लेकिन बावजूद इसके अंधविश्वास की तरफ खिंची चली गई। तंत्र से बीमारी ठीक करने का दावा, इलाज के बहाने तांत्रिक ने किया रेप, झाड़ फूंक के दौरान अंजाम दी वारदात, एमएलसी के फार्म हाउस में हुआ रेप। कानपुर के बिल्होर थाना क्षेत्र के कुदौरा में रहने वाली इस महिला की पिछले काफी वक्त से तबीयत खराब चल रही थी। इसे जानकारी हुई कि उसी के गांव में रहने वाला जाकिर नाम का एक तांत्रिक झाड़ फूंक के जरिए बीमारी को ठीक करता है, जिसके बाद महिला अपने पति के साथ तांत्रिक के पास इलाज कराने के लिए पहुंची। आरोप है कि तांत्रिक इलाज के बहाने महिला को फार्म हाउस के अंदर ले गया और वहां पर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। दिन दिन से बुखार आया तो तबीयत खराब होते तो कहा लगे चलो जरा इलाज चले का कोई चक्कर रक्कर हो तो हम चले गए जरा मन। और फिर उन्होंने जार दो कहे अब जाओ घरे। अब फिर कहा लगे हाथ पाए फिरा तो बुखार आवत है तो हमने के बुखार आवत हाथ पाए तो फिर रही है तो हमारे पति से कहा लगे जाओ फूल तोड़ ला। फिर फूल तोड़ ला और हाथ में पकड़ाए दो एक हाथ में अगरबत्ती जला पकड़ाए दे। फिर कहा लगे अंदर चलो फूल अंदर लिवाए ले गए। तब लाइट आवत्ती लाइट चली गई तो हमें पता ही नहीं कहाँ लिवाए ले गए। और खटिया पर लिटाए दो ऐसे हाथ रख लो और माँ कपड़ा सब उठाए दे। पीड़ित महिला के पति के मुताबिक जब तांत्रिक जाकिर ने उसकी पत्नी को अंदर ले जाने के लिए कहा तो उसने भी साथ चलने की बात कही, लेकिन आरोप है कि तांत्रिक ने पीड़िता के पति को बहाने से फार्म हाउस के बाहर ही रोके रखा और महिला को अंदर लेकर चला गया जहां उसके साथ रेप किया गया। वहां से घर लौटने के बाद महिला ने अपने पति को आपबीती बताई, जिसके बाद उसने फोन के जरिए पुलिस को वारदात की जानकारी दी। वहां ले गए कहने लगी कि अग्यारी पड़ेगी तो हमने कहा मोह चल रहे बाबा जी का तुम्हारा कोई काम नहीं है तुम है नहीं रहो बच्ची को ले लो है नहीं रहो बाहर कि हम अंदर अग्यारी डालेंगे। अंदर लिवा ले गए अंदर लिवाने के बाद फिर अगरबत्ती लगाई तो हमको बाहर दे दी कि ये खून से दे जाए बाहर। और उसके साथ फिर गलत काम किया चार पाई पर। फिर हम घर पर आए तो मैंने पूछा तो बताने लगी कि ये मेरे संग किया। झाड़ फूंक के नाम पर रेप के मामले में बिल्होर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके महिला का मेडिकल परीक्षण करवाया है। एसपी के मुताबिक आरोपी तांत्रिक जाकिर करीब 15 साल से बीएसपी एमएलसी के फार्म हाउस पर रहता है और वहां वो झाड़ फूंक का काम करता है। महिला ने तांत्रिक पर इलाज के नाम पर रेप का आरोप लगाया है, जिसके आधार पर केस दर्ज कर आरोपी तांत्रिक की तलाश की जा रही है। महिला अपने पति के साथ जैसे देहाती में गाँव में बुखार के झाड़ फूक होती है उसके लिए गई थी। पति को किसी बहाने से जाकिर नाम के व्यक्ति ने बाहर भेज दिया, उसके बाद उसके साथ गलत हरकत की है। ये सूचना महिला ने विलम्ब से बताया अपने पति को, उसके बाद पति ने उसका मुकदमा कायम कराया है जिस पर कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही अभियुक्त गिरफ्तार होगा। बेहद हैरानी वाली बात है कि पुलिस को इस बात की जानकारी है कि इलाके में एक व्यक्ति अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है, बावजूद इसके अभी तक पुलिस उसकी करतूतों पर चुप्पी साधे रही। जब आरोपी तांत्रिक ने वारदात को अंजाम दे दिया उसके बाद पुलिस की नींद खुली है और अब वो कार्रवाई के दावे कर रही है। इस तरह के अंधविश्वासों पर रोक लगाने के लिए न केवल पुलिस को बल्कि समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा कि बीमारियों का इलाज केवल विज्ञान में है, न कि चमत्कारों और अंधविश्वास में।
कानपुर से सुमित अवस्थी, नेशनल वॉइस। हाईवे पर एक टैंकर 24 घंटे से लावारिस खड़ा था, लेकिन खुद को मुस्तैद कहने वाली यूपी पुलिस को इसकी जानकारी तक नहीं थी। हड़कंप उस वक्त मचा जब एक परिवार ने पुलिस के पास पहुंचकर दावा किया कि उस टैंकर के अंदर उनके भाई की लाश पड़ी है। वारदात की बात सुनते ही पुलिस के हाथ पैर फूल गए और जब टैंकर की जाँच की गई तो उसके अंदर लाश बरामद हुई। चौबीस घंटे से लावारिस खड़े भारत पेट्रोलियम के टैंकर के चैम्बर में युवक की लाश मिलने की खबर ने इलाके में सनसनी फैला दी। टैंकर में लाश मिलने की खबर धीरे धीरे पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। वारदात की जानकारी के लिए मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी। बताया जा रहा है कि युवक दो दिन पहले घर से निकला था, तब से परिवार उसकी तलाश कर रहा था। पेट्रोल टैंकर में मिली युवक की लाश, दो दिनों से घर से लापता था युवक। हाईवे पर लावारिस खड़े टैंकर में मिली लाश, हत्यारों ने पुलिस मुस्तैदी की खोली पोल। हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था और पुलिसिया गश्त की पोल खोलती है वारदात श्रावस्ती जिले के कोणा थाना क्षेत्र की है। इलाके में रहने वाले विशाल सोनी के भाई के पास सोमवार की सुबह फोन आया कि उनके भाई की लाश हाईवे पर खड़े पेट्रोल टैंकर के चैम्बर में पड़ी है। इस जानकारी ने परिजनों के होश उड़ा दिए। मौके पर पहुंचे परिजनों ने जब टैंकर के अंदर झांक कर देखा तो चैम्बर नंबर 2 में उनके भाई की लाश पड़ी थी। परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। परिजनों के मुताबिक दो दिन पहले इरफान खान नाम का एक टैंकर ड्राइवर उनके भाई को घर से बुलाकर ले गया था, इसके बाद से वो लापता था। परिजनों के मुताबिक उन्होंने भाई की काफ़ी तलाश भी की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद सोमवार की सुबह टैंकर ड्राइवर इरफान के छोटे भाई का फोन विशाल के परिजनों के पास आया और उसने टैंकर में लाश पड़े होने की जानकारी दी। एक ड्राइवर इरफान खान आया था, मेरे घर से बुला लेके गया था, बुला लेके गया है सर उसका, और मेरा भाई का नाम है विशाल सोनी, और उसका छोटा भाई हमको पता बताया है कि कोहना और वीरपुर के बीच में चले जाओ, गाड़ी खड़ी है 2 नंबर चैम्बर में, तुम्हारा भाई पड़ा है। यहाँ आके क्या देखा? तो हमने यहाँ आके देखा, वो बात सही ठहरा। पुलिस को सूचना दी? जी, मैंने 100 नंबर को कॉल किया, 100 नंबर आए। क्या कह रहे हैं 100 नंबर वाले? सब वो सब देखे वाले हैं और फिर ऊपर चढ़े वड़े हैं, सब चीज़ बताएं, ठीक है अभी तुम्हारी कार्रवाई किया जाएगा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोना थाने की पुलिस ने लोगों की मदद से लाश को टैंकर से बाहर निकलवाया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर आरोपी टैंकर ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस को टैंकर के अंदर लाश के पास से केमिकल के 3 डिब्बे भी मिले। पेट्रोल टैंकर के सभी टैंक खाली थे। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही वारदात का खुलासा किया जाएगा। बेदौरा गांव के पास रोड पर ही एक टैंकर था, खाली खड़ा था, उसमें सूचना मिली कि एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। सूचना पर पुलिस मौके पर आई है और उस टैंकर से एक 20-22 वर्ष के लड़के की डेड बॉडी बरामद की है। शुरुआती जांच में उस डेड बॉडी की शिनाख्त हो गई है, वो गोंडा का रहने वाला है, उसके परिवार वाले यहाँ पर आ गए हैं। शव का पंचायतनामा भर करके पीएम हेतु भेजा जा रहा है। डेड बॉडी के घर वाले जो भी पहचान कर रहे हैं उनकी तहरीर एवं पंचायतनामा के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हाईवे पर 24 घंटे से लावारिस खड़े टैंकर में लाश का मिलना पुलिस मुस्तैदी की पोल खोल रहा है, क्योंकि अगर पुलिस मुस्तैद होती तो लावारिस खड़े टैंकर की जानकारी करती। लेकिन जिस तरह से टैंकर 24 घंटे हाईवे पर लावारिस खड़ा रहा और हत्यारों ने वारदात को अंजाम देने के बाद लाश को भी उसमें ठिकाने लगा दिया, उससे साफ है कि पुलिस गश्त हाईवे पर केवल रजिस्ट्रों में ही दर्ज की जाती है, जबकि हकीकत में पुलिस नाकों पर मुस्तैद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। सौ नंबर पर फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर कुछ और चेहरों को करेंगे बेनकाब, सामने लाएंगे गुनाह की कुछ और तस्वीरें। तब तक रहिए सतर्क,
और सुरक्षित। जय हिंद।